कमल मन सीत कोई विरला आपन के संग चरण कमल मन सीत कोई विरला आपन कीत संग चरण कमल मन सीत कर कृपा हर जस दीत 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 ओ हर नाम सुनावे नीत को है मेरो साजन नीत हर नाम सुनावे नीत को है मेरो जन्म पदार्थ जीत कोट पतित होए पुनीत हर पज जन्म पदार्थ जीत कोट पतित होए पुनीत हर पच जन्म पदार्थ जीत कोट पतित होए पुनीत हर पच जन्म पदार्थ जीत कोट पतित होए दास बल बल कीत नानक दास बल बल कीत नानक दास बल बल कीत नानक दास बल बल कीत को सुनावे नीत को है मेरो साजन नीत हर नाम सुनावे नीत को है मेरो साजन नीत हर नाम
सुनावे नाम चितारे
साजन मीत हर नाम सुनावे नीत को है मेरो साजन मीत हर नाम सुनावे नीत सज्जन से नाम चलन सजन से नाल में चल दिया नाल चलन जिथे लेखा बंदिए तिथे खड़े दिसन प्यास बोलियो धन गुरु धन गुरु नान को है मेरो साजन मीत हर नाम सुनावे नीत बिन से दुख विपरीत सब अर्पम तन मन चीत प्यार से बोलिए धन गुरु नानक आज तक साथ सको जब से सृष्टि बनी है किसी भी इंसान का जीवन देख लो अगर वो नीचे गिरा है या उसका जीवन ऊपर उठा है तो उसके पीछे कारण होता है संगत प्यार से बोलिए धन गुरु नानक बड़ी कॉमन सी बात है बड़ी सिंपल सी बात है जैसे लोगों के साथ उठना बैठना होगा वैसी रंगत हो जाती है जैसी संगत वैसी रंगत अगर जीवन नीचे गिरा है ध्यान देंगे तो उसकी संगत बुरी होगी और अगर जीवन ऊपर उठा है तो उसकी संगत किसी नाम जपने वाले की होगी प्यार से बोलिए धन गुरु नानक यही बात पातशाह समझा रहे हैं कि मित्र बना तो तेरा असली सज्जन असली मित्र वही है जो तुझे नाम से जोड़े प्यार से बोलिए धन गुरु नानक संतों को अपना मित्र बना सज्जन से नाल में चल दिया नाल चलन बाबा नंद सिंह जी अक्सर ये वचन किया करते थे कहा करते थे कि ऐसे ही मत कह देना सबको कि हम बाबा नंद सिंह जी की संगत करते हैं अगर नित्यनेम नहीं संभाला तो मत कहा करो बाबा नंद सिंह जी की संगत करते हैं कहते थे नित्यनेम कम से कम बाबा नंद सिंह जी बहुत छूट दी हुई थी सात संगत जी कहते थे कम से कम 6 माला मूल मंत्र का नित्यनेम कर लो और एक कहा करते थे अक्सर दरगाह में वहां पकड़ेंगे हम प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कहते ना दरगाह विच कौन वकील बने धर्मराज के सामने बाबा नंद सिंह जी हाथ पकड़ लेंगे भाई ये मेरा नित्यनेमी प्रेमी है सज्जन सही नाल में चल दिया नाल चलन वाणी कह रही है कि ऐसे सज्जन होने चाहिए ऐसे मित्र होने चाहिए जो तेरे साथ में जाए जहां कोई नहीं जा सकता जहां पर कोई नहीं सपोर्ट कर सकता वहां पर वो सपोर्ट कर सकते हैं संत महापुरुष प्यार से बोलिए धन गुरु नानक जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े दिसन जब धर्मराज लेखा मांगे तो बाबा नंद सिंह जी उसे इशारा करके कह दे बस इसका लेखा नहीं होगा प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक बस एक वचन मानना है नित्यनेम संभालने का एक वचन कितना मुश्किल है 24 घंटे हमारे पास 6 घंटे सो लो ज्यादा से ज्यादा चलो 6 घंटे सो लिया 3-4 घंटे खा पी लिया 7-8 घंटे काम कर लिए 12 घंटे होते हैं टोटल उसके बाद 12 घंटे पड़े हैं उसमें से भी 2-2.5 घंटे अगर नित्यनेम के लिए नहीं निकाल सकते इसलिए बाबा नंद सिंह जी अक्सर कहा करते थे हमारा नाम मत लेना क्योंकि नित्यनेम नहीं संभाला हम साथ नहीं देंगे प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन
ओए साजन ओए मीत प्यारे, असली मित्र कौन जो हमको हर नाम चितारे। सही प्यारे मेल जिना मिलिया तेरा नाम चितावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरदास के आखिरी अक्षर कि ऐसे गुरुमुखों ऐसे संतों ऐसे सज्जनों की संगत बख्श जिसे मिलकर तेरा नाम चितावे, वही असली मित्र है। बाकियों से किनारा कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संगत का बहुत असर होता है, बहुत ज्यादा। कोई ये सोचे कि मेरा बड़ा पक्का नितनेम है, मैं अमृत ले उठता हूँ, बुरी संगत में बैठ भी जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, ये अहंकार ले डूबेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े बड़े बड़ों बड़ों को गिरते देखा है दास ने अपनी आंखों से, जिन्हें ये लगता है कि हमारा नितनेम इतना पक्का है, हमें तो बुरी संगत का असर होगा ही नहीं, खत्म हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब असर हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर साकत संग न कीजिए, दूरो जाइए भाग, दूर से भाग जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कबीर जी ने ये नहीं कहा आहिस्ता से साइड में हो जा, चल जा, भाग जा। अगर देख रहा है साकत पुरुष आ रहे जो बुरी संगत में ले जाएगा, उसे देखकर भाग जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ओए साजन ओए मीत प्यारे, साजन बंधु सो मित्र सो कौन, वही मेरा सज्जन है, वही मेरा बंधु है, वही मेरा मित्र है कौन। हर नाम हृदय दे, अवगुण सब मिटाए के पर उपकार करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सज्जन से नाल में चल दिया नाल चलन, सज्जन से नाल में चल दिया नाल चलन, जिथे लिखा मंगी है तिथे खड़े दिसन को है मेरो साजन मीत। हर नाम सुनावे नीत को है मेरो साजन मीत, हर नाम सुनावे को है मेरो साजन मीत, हर नाम सुनावे नीत को है मेरो साजन मीत, हर नाम सुनावे ते। हर जन हर मिलो हम प्यारे, ते हर जन हर मिलो हम प्यारे, जित मिले आ को है मेरो साजन मीत, हर नाम सुनावे नीत को है मेरो साजन मीत, हर नाम सुनावे। महापुरुष, मेरे ख्याल है बाबा कुंदन सिंह जी के ही वचन है ये, भाई साहब भाई गुरुकृपाल सिंह जी ने सुनाए थे एक बार।
बड़ी कमाल की बात है, पहलू कोई समझ जाए इस बात को। कहने लगे हमें भाई साहब भाई गुरुकबाल सिंह जी भाई साहब कहना पड़ता है, असल में तो उनकी अवस्था मेरे हिसाब से संतों वाली है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो उनकी बढ़ियाई है कि वो अपने आप को संत नहीं कहलवाते। उन्होंने एक घटना सुनाई, कहने लगे महापुरुषों से मिलने गया तो वो एक फोटो दिखाने लगे। उस फोटो में बाबा ईश्वर सिंह जी, जिन्होंने बाबा आनंद सिंह जी के बाद सेवा संभाली है, बहुत बड़ा ना हर साल नानक सर में एक नगर कीर्तन निकलता है, लाखों की तादाद में संगत होती है उसमें। बाबा ईश्वर सिंह जी उसमें हाथी के ऊपर पालकी साहब सजाकर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश हाथी के ऊपर करते थे। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, प्रकाश हाथी के ऊपर पालकी साहब ने उस फोटो में दिखाया महापुरुषों ने के बाबा ईश्वर सिंह जी के साथ एक छोटा सा बच्चा बैठा है। अब जरा विचार करो, लाखों की संगत में एक छोटे बच्चे को अगर महापुरुषों ने अपने साथ बिठाया है तो वो कितना खास होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितनी कृपा होगी महापुरुषों की उसके ऊपर। पूर्ण महापुरुष बाबा ईश्वर सिंह जी, सेवा कर करके बाबा ईश्वर सिंह जी के हाथों के नाखून गायब भी हो गए थे, नाखून ही नहीं थे उनकी उंगलियों के, ऐसी करड़ी सेवा की थी उन्होंने। ना पैर के नाखून थे ना हाथों के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो अलग ही पहलू हो जाता है। महापुरुष दिखा रहे थे बच्चा कितना खास होगा जो बाबा ईश्वर सिंह जी के साथ हाथी में बैठा है, पर आज ये एक नशेड़ी है, नशा करता है, नशेड़ी जो ड्रग्स लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हैरान हुए भी ऐसे कैसे जो महापुरुषों के इतने करीब हो, ऐसी संगत प्राप्त हो, नदर हो उसके ऊपर। तो महापुरुषों ने समझाया, यही बात समझाने के लिए फोटो दिखा रहा हूं कि बुरी संगत से बच के रहना। ये कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस, कि हमें बुरी संगत का असर नहीं होगा। संगत का असर होता ही है, अगर बुरी है तो बुरे हो जाएंगे, अच्छी है तो अच्छे हो जाएंगे। बहुत सोच समझ कर मित्र बनाना चाहिए। देखिए फैमिली में हमारी चॉइस नहीं होती, जिस घर में पैदा कर दिया वैसे भाई मिलेगा, वैसा बहन, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। मित्र बनाते वक्त हमारे पास क्लियर चॉइस होती है कि उसे मित्र बनाना है किसे नहीं बनाना। सोच समझ के बनाना, जो नाम से जोड़े, जो सच से जोड़े, जो गलत काम की तरफ ना लेके जाए, गलत काम करने से रोके, मुंह पर तुम्हें तुम्हारी बुराई बता दे, ऐसे को अपना मित्र बनाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक ऐसा बच्चा जो महापुरुषों को इतना करीब है, बुरी संगत की वजह से आज ड्रग्स लेता है, बुरी संगत में पड़ चुका हुआ है, हम कहां के हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरबाणी में अनेकों शब्द आए हैं, अनेकों शब्द जिसमें बार बार संगत के ऊपर बढ़ाई दी है। जैसी संगत काहों की संगत मिल जीवन मुकत होए, काहों की संगत मिल जमपुर जाते हैं। किसी को ऐसी संगत प्राप्त हो जाती है कि उसका जीवन जीते जी मुक्ति प्राप्त कर लेता है, और किसी को ऐसी संगत प्राप्त हो जाती है के जमों के धक्के खाने पड़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काहों की संगत मिल जीवन मुकत होए, काहों की संगत मिल जमपुर जाते हैं। ते हर जन हर में हम प्यारे, हर जन हर मेलो हम प्यारे, आ
जाए हमारे दुख जाए हमारे दुख जाए हमारे दुख जाए हमारे को हर नाम सुनावे नीक को है मेरो सावन मीत हर नाम सुनावे नीक। बुरी संगत कई प्रकार की होती है साथ संगत, बड़े ध्यान से इस बात को समझना, थोड़ी गहराई है इस बात में। जरूरी नहीं किसी शरीर की संगति बुरी होती है। माया किसे कहते हैं? दास ने कुछ दिन पहले भी शायद ये बात बताई थी, जो चीज गुरु से तोड़ दे, जो चीज नित्यनेम को कम करा दे, जो चीज प्रभु को भुलाना शुरू कर दे, वो माया है, चाहे वो किसी भी रूप में आए, बुरी संगत के रूप में आए। मेरा एक अमृतसर में खास मित्र, नाम नहीं लूंगा उसे बुरा मान जाएगा, अच्छा खासा बिजनेस साथ संगत जी, बाबा जी की बहुत कृपा उसके ऊपर, मीन्स रोज का 50-60 हजार रुपया कमाने वाला, और उसका नित्यनेम रोज 13 श्री सुखमणि साहब जी के पाठ करने, कभी 10 कभी 11 कभी 13, एवरेज उसकी 10 पाठ सुखमणि साहब जी के, रोज का नेम हमारा एक नहीं होता, उसके 10, और रोज अमृत वेले हर मंदिर से पूरी रात जागना भी, और फिर अपना बिजनेस भी करना, और इतना नेम भी निभाना, बड़ा बिजनेस है, अच्छी खासी कमाई, पर लालच, पता नहीं क्या हुआ, लालच पैदा हो। जब दास एक दो साल बाद फिर अमृतसर गया तो वो वापस अमृत वेले दिखाई नहीं दिया मुझे, दास ने उसको कॉल किया, शाम को मिलने का समय रखा, वो भी दो तीन दिन बाद बड़ी मुश्किल से मिला। मैंने पूछा भी क्या बात है, अमृत वाले आते नहीं दरबार साहब में, आपका तो पक्का नेम। कहने का बिजनेस बहुत बढ़ गया है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, भगवान की बहुत कृपा हो गई, गुरु नानक की बहुत मेहर हो गई। अब पहले 50-60 हजार दिन का कमाता था, अब 2.5 से 3 लाख रुपया दिन का कमाता हूँ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने उसे वहीं रोका, मैंने कहा ये बता सुखमणि साहब जी का जो तेरा नेम था वो कितना है? कहता है अभी नहीं होता, अब कभी एक पार्ट हो गया कभी वो भी नहीं। मैंने सर पे हाथ मारा, मैंने कहा इतना ज्ञान होकर तुझे, इतना ज्ञान होकर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, क्या करेगा 2.5-3 लाख रुपए रोज के खर्च कर सकता है? अमृत वेले उठने का समय नहीं, नित्यनेम तेरा छूट गया, और तू कहता कि बहुत कमा रहा हूं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये धन भी जो चीज गुरु से तोड़े, जो चीज। अब दूसरी तरफ एक ऐसा भी मित्र है जिसकी 1 से 4 दुकानें हो गई, उसने 3 बंद कर दी क्योंकि नित्यनेम कम होने लग गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। डिपेंड हम पर करता है। दास ने कल भी कहा था, अगर बंदगी की दात चाहिए तो प्रेफरेंस बंदगी को देनी पड़ेगी। बाबा आनंद सिंह जी के वचन है, बड़े प्यारे वचन है, बड़े ध्यान से समझना। हम लोग तो, हम सब, मेरे समेत हम सब पैसे के पीछे भागते हैं, चाहिए भी, पैसे के बिना काम नहीं चलता, पर बाबा आनंद सिंह जी वचन किया करते थे, कहते थे कि भगवान इतना दे के किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी का देना ना हो किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, ये 2 वचन। किसी का देना ना हो किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, और बीवी बच्चे कहना मानने वाले हो, घर में शांति हो। कहते थे वो इंसान अगर गुरु से कुछ और मांगता है, ज्यादा मांगता है, तो वो गुरु का देनदार है, फिर शुक्राना नहीं है उसे, उसे बंदगी की दात नहीं मिल सकती, वो नाम की दात प्राप्त ही नहीं कर सकता जो इतना कुछ होने के बावजूद किसी का देना नहीं है, पर केवल लालच में और चाहिए और चाहिए और की तो कोई सीमा ही नहीं है।
अगर किसी का देना नहीं है, घर में शांति है, बीवी बच्चे कहने में है, गुरु से कुछ और मांगना बाबा नानक जी कहते थे पाप है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसे लोगों की संगत करो जो जोड़ कर रखे, ऐसे लोगों की संगत करो जो नाम से जोड़े, जो मिलते ही पूछे नेत्रम छोटा तो नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि सज्जन से नाल में चल दिया नाल चलन, जिथे लिखा मंगिया तिथे खड़े दिसन। बाबा आनंद सिंह जी जैसे, बाबा ईश्वर सिंह जी जैसे, बाबा कुंदन सिंह जी जैसे, संत अतर सिंह जी मस्तुआने वाले जैसे, उनकी किताबें पढ़ लो, उनका जीवन पढ़ लो, वो भी उनकी संगत है। किसी भी महापुरुष का जीवन पढ़ लो, गुरु नानक पाशाह की जन्म साखी पढ़ लो, भगतमाला पढ़ लो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, किसी का भी जीवन पढ़ लो, मन संगत करता रहता है गुरु के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। को है मेरो साजन गीत हर नाम दुख विपरीत सब अर्पो मन तन चीत, दिन से दुख विपरीत सब अर्पो मन तन चीत। को है मेरो
साजन मीत हर नाम सुनावे मीत को सुनावे नीत को।